अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में वाक़े इस डेनम फैक्ट्री में। और डेनम यानी जीन्स का कपड़ा किस तरह से तैयार होता है और धागे से लेकर कपड़ा बनने तक का प्रोसेस आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर राज कुरैशी है और मैं डायरेक्टर हूँ ग्लोबल ट्रेड B2B इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में। हमारी कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ कमोडिटीज़ में डील करती है, जिसके अंदर पेरिशेबल्स हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, केमिकल्स हैं, और इंपोर्टिंग के हवाले से भी हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो दुनिया भर में हैं उसके अंदर डील कर रहे होते हैं और यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जो मेजर हिस्सा है वो टेक्सटाइल रिलेटेड है, और टेक्सटाइल में भी जो डेनिम सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हुआ है। दुनिया भर के अंदर जो डेनिम सेक्टर के अंदर ग्रोथ है वो इज़ अराउंड 6.4% एनुअली, तो पाकिस्तान भी जो है उसका एक मेजर चंक वो देता है। और दुनिया भर में फॉर एग्जांपल इन ईयर 2021 तकरीबन $75 बिलियन का जो डेनिम का जो है वो ट्रेड हुआ है, और पाकिस्तान का जो इसमें हिस्सा है वो इस बिटवीन 3-8% है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी डेनिम फैक्ट्रीज़ हैं जो कि फैब्रिक से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक बना रही हैं, और इसी तरह की एक फैक्ट्री जो है वो राजवानी डेनिम मिल्स हैं। और राजवानी डेनिम मिल्स के अंदर फैब्रिक से लेके और फिनिश प्रोडक्ट तक सारे प्रोसेस जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। डेनिम की प्रोसेसिंग के अंदर जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो स्पिनिंग और फिर यान जो एक कोन की शक्ल में होता है, उसके बाद ये बेल रैपिंग के अंदर जो आ जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ थ्रेड्स को एक रोप की शक्ल दी जाती है ताकि इसको डाइंग के लिए सूटेबल बनाया जाए। तो ये बेल्स जो होती हैं ये फिर बॉल रैपिंग स्टेज के ऊपर आती हैं, जहाँ पे इनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर, जहाँ पे ये थ्रेड्स जो हैं ये रोप की शक्ल में आ जाते हैं और इतने स्ट्रेंथेंड हो जाते हैं कि इनको डाइंग वाली जो स्टेज है उसके अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे एट हायर टेम्परेचर और डिफरेंट तरह की केमिकल इंट्रोडक्शन के साथ आप इसको डाई कर। ये काफ़ी स्पेशलाइज प्रोसेस है और इसके अंदर काफ़ी प्रिसीजन चाहिए होती है, इसके अंदर काफ़ी हाईटेक मशीन्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और जब ये एक डाइंग की एक सर्टन टाइम तक इसको डाई किया जाता है रो फॉर्म में, और अगेन राजवानी डेनिम मिल्स इन कुछ मिल्स में से है जहाँ पे रो फॉर्म के अंदर डाइंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। इसके बाद इसको साइजिंग वाली स्टेज पर लेके आया जाता है, जहाँ पर इसके जो फैब्रिक है उसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है, इन अ सेंस कि उसको इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ उसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर उसका जो इंट्रोडक्शन होना है उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। उसके लिए उसको एक डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर से भी गुजारा जाता है। जब ये इस प्रोसेस से गुजर जाता है तो ये इस स्टेज पर आ जाता है जिसमें ये तैयार होता है वीव के लिए, क्योंकि वीव के लिए कपड़े की स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा मजबूत होगा, धागे मजबूत होंगे तो वो अच्छी तरह से वीव होगा, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं जो कि मोस्टली जैपनीज़ मशीन्स हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं यानी प्रोग्राम्ड होती हैं ऑलरेडी, और ये राउंड द क्लॉक चल रही होती हैं।
तो ये आफ्टर साइजिंग जब ये इंट्रोड्यूस किया जाता है वीविंग के लिए, तो ये वो पहली स्टेज होती है जहाँ पे ये सारा यार्न पहली दफ़ा फैब्रिक की शक्ल में हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। और अगेन इसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट कि किस तरह का पैटर्न चाहिए। फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस इसके अंदर और भी कुछ मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं, इक्विपमेंट यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ब्लोअर यूज़ हो रहा होता है जो कि इजाफी थ्रेड्स वगैरह ड्यूरिंग द वीविंग जब इसमें आ रहे होते हैं उसको टाइमली रिमूव कर रहा होता है ताकि किसी भी किस्म की जो है वो डिस्क्रिमिनेंसी ना रहे। ये जो ब्लोअर है ये ऊपर से हवा ब्लो करता है नीचे मशीन के ऊपर ताकि जितना भी कोई कचरा है या कुछ ऐसी चीज़ है वो ईज़िली इसमें से रिमूव हो जाए। तो अगेन ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक सीक्वेंस के साथ चल रहा होता है। इसमें पता होता है कि इस सिस्टम के बाद जो अगली स्टेज है उसमें क्या होना है। और इस वीविंग के बाद फिर इसको जो है एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जाता है जहाँ पे बेसिकली इसको सिंज कर रहे होते हैं, यानी इसके जो इजाफी थ्रेड्स हैं ड्यूरिंग द वीव, और वो तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये एक्टिविटी की जाती है और फ्लेम के थ्रू जो है वो इनको जो है वो रिमूव किया जा रहा होता है। तो अगेन इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एक मशीन के ऊपर जो कि मल्टी स्टेज मशीन है। उसके अंदर से ये होता हुआ सबसे पहले फ्लेम्स के ऊपर से गुज़रता है जहाँ से इसके इजाफी जो थ्रेड्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं। उसके बाद इसको एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है विच इज़ लाइक ए हॉट वाटर, और वहाँ से जाके फिर ये रोलर्स के थ्रू होता हुआ अंडर टेंशन कंडीशन ड्रायर्स के ऊपर जाता है जहाँ पे स्टीम के थ्रू इसको ड्राई किया जाता है और फाइनली ये बेचर के ऊपर रैप हो जाता है। फिनिशिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो इंस्पेक्शन की है जहाँ पे इस कपड़े को इंस्पेक्ट किया जाता है, इसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि जो हमारे रिक्वायर्ड स्पेक्स थे उसके हिसाब से ये क्वालिटी है या नहीं। थ्रेड काउंट्स यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर इसको जांचा जाता है, और इसी स्टेज पे इसको लेबॉरेटरी में भी इसका एक सैंपल भेजा जाता है जहाँ पे इसके मुख्तलिफ टेस्ट करके ये मेक श्योर किया जाता है कि ये अप टू द स्टैंडर्ड्स है। और उसके बाद इसको नाइसली एंड नीटली रैप करके रोलर्स की शक्ल में पैक कर लिया जाता है, और इस स्टेज के बाद फिर एज़ पर ऑर्डर इसको वेयर हाउस के अंदर जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, स्टैक कर लिया जाता है, और जैसे जैसे जिनका जो ऑर्डर होता है फिर उसको वहाँ से डिस्पैच किया जाता है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोसेस होता है और उसके बाद जो उसमें पानी इस्तेमाल होता है तो वो आलूदा हो चुका होता है। उस आलूदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए या उसको इतने हिफाजती उसको महफूज बनाने के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं वो इख्तियार किए जाते हैं, और राजवानी डेनिमल्स जो है उसने भी इस सिलसिले में वाटर ट्रीटमेंट के लिए कुछ नए सिस्टम्स जो हैं वो लगाए हैं, जिसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, जिसकी वजह से ये अपने इस्तेमाल शुदा पानी को प्रोसेस करके रिसाइकिल करते हैं और दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं राजवानी डेनिम कंपनी में एज़ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और राजवानी डेनिम पिछले 10 सालों से डेनिम से रिलेटेड जो है वो पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रही है। हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इससे मुतालिक काम कर रहे हैं, जिसमें टर्की, कोलंबिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पे हमारा काम बहुत वसी पैमाने पे फैला हुआ है। इसके अलावा जो मेजर ब्रांड जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो LCW है, LPP है, मेडिसन है एंड जैक एंड जॉन्स है।